नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिल्म का ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। उस फिल्म का नाम है तानाशाह। तो सबसे पहले उस फिल्म का हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हमारी बहन और हमारे बाबूजी की मौत का बदला। अब डर के नहीं, इज्जत से जीना है। एक आदमी नहीं है आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए शिव कुमार की। अरे सर, पूरा गांव सपोर्ट में है। मंत्रियों को भी सपोर्ट अब आए। दद्दू डाकू या मसीहा, दद्दू के बारे में आजकल बहुत सुनाई दे रहा है। डर बना रहा बीहड़ में हरम। हम बिना मतलब किसी को नहीं मारते। घर में घुस के एनकाउंटर करेंगे चाहे जो भी हो। बागी बोल बोल के कई बार उठा ले गए दद्दा। मजबूरी की वजह से तो बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए तो फिर तो लाना। अपना नाम वापस ले इलेक्शन से। भी तुमको डाउन कर देंगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है सर। अरे राजनीति हम संभालेंगे, आप तो बस बिहड़ पे राज कीजिए। दद्दू के फरमान का मतलब बिहड़ का कानून, फिर चाहे जो भी आ जाए। हमेशा आपको भगवान की तरह माना हमने दद्दा। आदेश कर दिया, सही समय आने पे बताएंगे। बचना नहीं चाहिए इस बार। देखा आपने ट्रेलर, कैसा लगा? भव्य लोकेशन, भव्य सेटअप और बहुत ही अच्छी एक्टिंग। दोस्तों, एक व्यक्ति का सपना था और उस सपने को उसने पूरा किया, और उस व्यक्ति का नाम है दिलीप आर्या। तो दोस्तों, ये फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हो रही है, और ये जब टीजर लॉन्च हुआ था तो कुछ उसकी झलकियां हम दिखाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं। लीड एक्टर हमारे साथ, वेलकम ऑन स्टेज दिलीप आर्या। कम ऑन, दिलीप सर। थैंक यू। क्या बात है दिलीप सर, कैसा लगा ये फिल्म जब आप कर रहे थे? प्लीज कुछ बताइए। आइए, होनी चाहिए रीजन। सपना बड़ा था, हम समझ सकते हैं सर आपकी फीलिंग्स। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग, आप लोगों की तालियां देख सुनकर, सबकी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है। दोस्तों बता दूं आपको, मैं सर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया है रिसेंटली लोनावला फिल्म फेस्टिवल की तरफ से। सर कुछ बताएं प्लीज। बड़ी लंबी लड़ाई थी, कई सालों से लड़ रहे थे हम लोग। मुकेश सर जो इस फिल्म के राइटर थे पहले, फिर प्रोड्यूसर भी हो गए, रिजवान भाई, सलमान भाई, बहुत सारे लोग, बड़ी लंबी टीम है। एक्टर्स के अलावा पर्दे के पीछे भी बहुत लोगों की टीम है, हमारे को एक्टर्स हैं,
हमारे डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। कैसे हैं? बड़े भाई जैसे, छोटे 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 भाई जैसे हैं। तो अच्छा, तो सबने मिलकर प्रयास किया, नतीजा आपके सामने। वाओ सर, अब मौली से जो आपका मुंबई का सफर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिल्मी चकाचौंध का आदमी नहीं हूँ। मेरी माँ खेतों में मजदूरी करती थी, मैं भी मजदूरी करता था। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, फिर सिलाई उलाई करते रहा, फिर पढ़ाई, बड़ी लंबी कहानी। और है बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने सपोर्ट किया, उनका तो शुक्रिया है ही। बहुत सारे दोस्त, आपके कलीग, आपके मित्र, आपके साथ ही काम कर रहे होते हैं और पीछे जाके आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका ताना मारते हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया। अगर आज वो मजाक नहीं उड़ाते तो शायद ये मैं इतनी जिद नहीं पकड़ता और इस फिल्म को ऐसे करता नहीं। तो सभी का शुक्रिया। सर, जैसे कि आपने कहा, आपने जो इतना बड़ा रोल किया है, ददुआ का जो रोल है, वो आपने कैसे चुना? ये आप गूगल करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही डेप्थ। किसी भी एक्टर का सपना होगा, यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी सब एक्टर ही बैठे हुए हैं, ज्यादातर सबको लालच होता है एक अच्छा रोल करने का जिसमें डायमेंशन ज्यादा हो, आपको करने को सब कुछ मिले। तो उस कैरेक्टर के बारे में 30 साल तक जिंदा रहा, पहला ऐसा डकैत था जो इतने साल तक जिंदा रहा। रॉबिनहुड की इमेज, उसके नाम पे मंदिर बना हुआ है, लोग उसको पूजते हैं। उसके मंदिर के उद्घाटन में मैं गया था, 6 लाख लोग आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर भी आने वाले थे, लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ था। तो इतना अच्छा रोल, मुझे नहीं लगता कोई एक्टर यहां जो बैठा होगा वो मना कर देगा कि भाई मुझे नहीं करना। सर, इतना हुंदा अब आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, सो क्या प्लान्स हैं आगे? कुछ प्लान्स हैं अभी अपकमिंग? किस फिल्म को लेके कहाँ जाने वाले हो? कुछ प्लान नहीं है भाई। जो आदमी मजदूरी करता रहा, मजदूरी करते करते सिलाई करता रहा, फिर सिलाई करते करते यहाँ तक पहुँचा, तो आगे का तो सब ऊपर वाला स्क्रीन प्ले लिख के बैठा हुआ है, वो जो करवाता जाएगा करते जाएंगे, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। रितम सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? रितम, कई बार ऐसा बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं बताता हूँ। रितम और हम रूममेट भी रहे हैं, ये बहुत पुरानी दोस्ती है और बहुत पुरानी जर्नी है। जब रूममेट रहे तो इसके लिए मैं रोटी भी बनाता था, सब्जी भी बनाता था, खाना, मतलब लोग झगड़ा करते थे तो मैं बोलता था मैं तुम्हारी मेहरिया नहीं हूँ कि तुमको बना बना के खिलाऊं, उठो और काम करो। वाओ, तो उस तरह का रिलेशन है, वो आपको इस काम में दिख रहा होगा, जो एक एक्टर डायरेक्टर की जो केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे को समझते हैं, हमारा डायरेक्टर हमसे क्या करवाना चाहता है। तो मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, डायरेक्टर जैसा कहता गया मैं करते गया, और ये सारा क्रेडिट हमारी पूरी टीम को, जो पर्दे के आगे हैं, जो पर्दे के पीछे, सभी को जाता है। दोस्तों, ये फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। मैं उसके पहले आपको दिलीप आर्या से मिलवाऊंगा भी, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके फिल्मी करियर, उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर आपको कुछ दिलीप आर्या से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उनसे जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।